हाय, आई वेलकम यू ऑल टू माय किचन। आज की रेसिपी है ट्राइफल। ये एक डेजर्ट रेसिपी है जिसे हम रमज़ान में बहुत इजीली बना सकते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी डेजर्ट है जो हम हर ओकेजन में और लाइक विदाउट नोटिस अगर कोई मेहमान आए तो उनके लिए भी हम इजीली बना सकते हैं। ट्राइफल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लाइक स्टोर बॉट केक्स लिए हुए हैं। ये कोई सा भी फ्लेवर के आप ले सकते हैं। इसको बस आप ऐसे ही असेंबल करते जाएं। इसका कोई ऐसा लेकिन रूल नहीं है, थंबनेल नहीं है कि आपको ऐसा ही बनाना है या वैसा बनाना है। ये आपके चॉइस के ऊपर है, आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, क्या पसंद है। ये एक्चुअली मैंने स्टोर बॉट कैन वाला फ्रूट कॉकटेल फ्रूट लिया हुआ जिसका सिरप है ये, जो शुगर सिरप में वो डूब कर रहता है, तो वो सिरप मैंने यूज़ किया हुआ है। देखिए ये फ्लेवर का है। कोई सा भी फ्लेवर आप ले सकते हैं। अगर फ्रूट कॉकटेल हो तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं। उसके बाद मैंने ये कस्टर्ड बना दिया जो जिसे हर किसी को भी आता है। ये वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड है। मुझे वैनिला फ्लेवर पर्सनली ज़्यादा पसंद है तो मैं यूज़ कर रही हूँ उसको। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा कोशिश कीजिए तो थोड़ा ज़्यादा रनी ना बने, थोड़ा थिक बने, थोड़ा क्रीमी बने। इसको आप अपने हिसाब से बना लीजिए। इसको आप लेयरिंग दीजिए शुगर सिरप डालने के बाद, जो है ना वो डालने के बाद हम उसके बाद कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड के बाद एक लेयर दे देंगे फ्रूट्स के, जो जो कॉकटेल फ्रूट्स आपके पास होंगे सारे फ्रूट्स का आप लेयर दे दीजिए। ये फर्स्ट लेयरिंग है आपका, है ना। उसके बाद ये डाल देने के बाद हम उसके बाद फिर से अपना जो जेली भी मैंने बना कर रखा हुआ है, सेट करके पहले से ही जेली रखा हुआ था, ये बहुत जल्दी बन सकता है, बन जाता है, ईजीली बन जाता है। इसको भी आप 45 मिनट इसका जो आप पैकेट के पीछे इसका सारा कैसा बनता है इसका डायरेक्शन दिया हुआ होता है, आप इसको बना लीजिए। उसके छोटे छोटे क्यूब्स कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। उसके बाद आप इसको बस एक डेकोरेशन के तौर पे पसंद ना आए आप इसके सब्स्टिट्यूट में चॉकलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। चॉको चिप्स होता है वैसा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना है। मेरे बच्चे हैं तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है, उन लोग खाते भी हैं बड़े शौक से सारे के सारे, तो ये मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। उसको साइड्स पे रख दीजिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं है, ये एक्चुअली ग्लास का बर्तन नहीं है, तो मेरे पास ये केक बनाने का ये अवेलेबल था, तो मैं ज़्यादा लेयर नहीं कर पाई। ये मैं इंडिया में हूँ फ़िलहाल, तो ये एक फ्रेश क्रीम है, अमूल का फ्रेश क्रीम आता है, इसको आप आराम से डाल लीजिए। ये और एक लेयर बनता है। अब हम इसको डालेंगे, जितना मर्ज़ी आप डाल सको। ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, कम पसंद है तो कम डालिए, लेकिन यकीन मानिए क्रीम से ही इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। ये एक लेयर हो गया। ये लेयर होने के बाद अगर आप चाहें आगे इसको और ज़्यादा बड़ा करने तो आप फिर से एक लेयर दे सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, केक का केक दे दीजिए या कोई और फ्लेवर दे दीजिए, वो कर सकते हैं। देखिए अब मैं ये क्रीम डालने के बाद फिर से मैंने ये कस्टर्ड थोड़ा सा डाल दी। फिर उसके बाद डेकोरेशन अपने हिसाब से मैंने कर लिया, थोड़ा सा जेली, बाकी का जेली भी मैंने डाल दिया थोड़ा सा साइड्स पे। वो डाल देने के बाद आप अगर अभी चाहें तो आप डिफरेंट फ्लेवर्स के भी जेली यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप सबको शायद पता होगा मैं जिस स्टेट से फ़िलहाल बिलोंग कर रही हूँ, ये है आपका उड़ीसा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा साइक्लोन हुआ था, तो ये इमीडिएटली उसके बाद की ये वीडियो है जो मैंने मेरे बहुत सारे सामान जो फ्रिज में रखे हुए थे वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो रहे थे, तो मेरे पास ये एक बेस्ट ऑप्शन था कि मैं ये कर सकूं। तो अभी क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक हुआ तो मैंने सोचा कि चलो यार इसको अब अपलोड कर देते हैं। देखिए ये इसको भी मैंने एक छोटा सा ये एक अलग से ग्लास, छोटा सा बाउल है बोल सकते हैं उसको, उस पर मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया, एक एडजस्ट एक अच्छा फ़ोटो ले सकूँ इसके लिए, तो मैंने बस ऐसे ही इसको भी एक बना लिया। देखिए इसको भी आप ऐसे के ऐसे करते जाइए जैसे आपने वैसे उसमें किया था, इसको भी बराबर वैसे ही करना है। ये रहा चीज़। ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही क्विक बनता है। अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप इजीली बना सकते हैं। ये शॉर्ट नोटिस में बनी हुई डेजर्ट है जो बहुत अच्छी बनती है। ट्राई कीजिएगा, आई होप सबको पसंद भी आएगा। ये आप अपने हिसाब से फ्लेवरिंग एडजस्ट कर लीजिए, बाकी देखिए बहुत ही अच्छा बनता है। सो ये रमज़ान अभी है, रमज़ान मुबारक चल रहा है,
तो इस पे आप ज़रूर से ये डेज़र्ट ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ जस्ट गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर